नमस्कार, मैं हूं देवांशली मोइत्रा। राजनीतिक पार्टियों को दिया जाने वाला चंदा तेजी से बहस का मुद्दा बनता जा रहा है। शुरू से ही भारतीय राजनीति में पार्टियों को चंदे में पारदर्शिता का अभाव रहा है और इसने हमेशा से ही संविधान द्वारा अनिवार्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। इस बार सवाल उठा है बीजेपी को मिले चंदे पर। जिसने दिया है उस पर सवाल उठाए हैं बीजेपी के ही एक वरिष्ठ नेता ने, नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। दरअसल इस साल यानी कि 2018-19 में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक कुल 800 करोड़ रुपए का चंदा जुटाया है, जिसकी जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जमा किए गए दस्तावेजों में बीजेपी की तरफ से दी गई है। लेकिन इसमें से एक कंपनी ऐसी है जिसने बीजेपी को भारी भरकम चंदा दिया है और सुब्रमण्यम स्वामी ने उस पर सवाल उठाए हैं। ये चंदा टाटा समूह की तरफ से नियंत्रित संस्था प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट ने दिया है और स्वामी ने इस पर ट्वीट किया है, टाटा ने भाजपा को भारी राशि चंदे में दी है। अगर सरकार एयर इंडिया की कमांड टाटा को सौंपती है तो यहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। दस्तावेजों के मुताबिक भारत के सबसे धनी ट्रस्ट द प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने पार्टी को 54.25 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। इस ट्रस्ट को भारती ग्रुप, हीरो मोटोकॉर्प, जुबिलेंट फूडवर्क्स, ओरिएंट सीमेंट, डीएलएफ, जेके टायर्स जैसे कॉरपोरेट घरानों का समर्थन मिला हुआ है। जहां बीजेपी को इतना चंदा मिला है तो वहीं कांग्रेस को सिर्फ 146 करोड़ रुपए ही चंदे के रूप में मिले हैं, जिनमें से 98 करोड़ इलेक्टोरल ट्रस्ट ने दिए हैं। वहीं बात अन्य कंपनियों की भी कर लेते हैं जिन्होंने बीजेपी और कांग्रेस को चंदा दिया है। जैसे आदित्य बिरला समूह के जनरल इलेक्टोरल ट्रस्ट ने बीजेपी को 28 और कांग्रेस को 2 करोड़ रुपए चंदे के रूप में दिए। वहीं ट्रिम्फ इलेक्टोरल ट्रस्ट ने बीजेपी को 5 करोड़, हार्मनी ग्रुप ने 10 करोड़, जनहित इलेक्टोरल ट्रस्ट और न्यू डेमोक्रेटिक ट्रस्ट ने बीजेपी को 2.5 करोड़ रुपए चंदे में दिए हैं। नियमों के मुताबिक चुनाव आयोग को राजनीतिक दल उसी चंदे की सूचना देते हैं जिसमें उन्हें 20,000 रुपए या इससे ज्यादा की रकम मिली हो, जिसका पेमेंट चेक या ऑनलाइन किया गया हो। चुनावी बॉन्ड के रूप में मिला चंदा भी इस जानकारी में शामिल नहीं होता। वहीं बीजेपी को व्यक्तियों, कंपनियों और चुनावी ट्रस्टों की तरफ से भी चंदा दिया गया है। चुनाव संहिता के मुताबिक राजनीतिक दलों के लिए वित्त वर्ष के दौरान मिलने वाले कुल चंदे का खुलासा करना जरूरी है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि अब जब बीजेपी के नेता ने ही बीजेपी को चंदा देने वाली कंपनी टाटा पर सवाल उठा दिए हैं तो इसका जवाब कौन देता है, खुद टाटा कंपनी या फिर बीजेपी। आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले इस तरह के भारी भरकम चंदे पर आपकी क्या राय है।